हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। आज हमने हमारे युवाओं के साथ इन्होंने जो वादा खिलाफी करी थी कि हम युवाओं को रोजगार बेरोजगार भत्ता देंगे, इन्होंने उससे मुकर गए कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने अनेक तमाम तरह की घोषणा करी थी, उन सभी योजनाओं से मुकर गए हैं और इसको लेकर हमने कमलनाथ का यहाँ सांकेतिक रूप में पुतला फूका है। और निश्चित रूप से प्रशासन की आप दादागिरी देख रहे हैं, हमारे कुछ युवा साथी और उन पर ही वो इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एकजुट है। ये कहीं ना कहीं एक उद्योगपति की सरकार है, कहीं ना कहीं ये उन अगर हम कहें जो कहते थे देश तेरे टुकड़े होंगे हजार, इस प्रकार की एक सोच की सरकार है। और इस प्रकार की सोच की जो सरकार प्रदेश में चल रही है, जनता इसको पूरी तरह नकार चुकी है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आज हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार का विहिप जारी नहीं किया गया था, हमने इस प्रकार की किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की गई थी और उन्होंने इस प्रकार का एक षड्यंत्र करके इस प्रकार की कार्रवाई करी है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और आने वाले समय में अगर हम कहें कि दौड़ में वो सिर्फ अकेले दौड़े हैं, आने वाला समय देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत होकर संगठित होकर उभरेगी और ये सरकार Thank you.